आप वहाँ क्या कर रही थी मैडम सर? ये केस हमारा है। हम जानते हैं कि वो आपका केस है करिश्मा सिंह, लेकिन जिस आदमी का पीछा करते करते हम वहाँ पहुँचे थे, हमें क्या पता कि वो आपका मिशन स्पॉट निकलेगा। तो आप फोन तो उठा सकती थी ना, हमने कितनी बार आपको फोन किया था। उस वक्त फोन उठाने के हालात नहीं थे। हालात नहीं थे या फिर आप उठाना नहीं चाहती थी? What nonsense! क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह कि हम जानबूझकर वहां आपका केस खराब करने के लिए पहुंचे थे? अगर ऐसा कुछ भी है ना आपके दिमाग में तो प्लीज उसे साफ कर लीजिए। हमारी मयार इतनी भी हल्की नहीं कि हमें इस तरह की ओछी हरकत करनी पड़े। हमारा वहां पहुंचना महज एक इत्तफाक था और कुछ नहीं। हसीना मैडम एकदम सही कह रही है। हमको तो पहले से ही लग रहा था जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। आग फड़क रही थी ना हमारी। हमारा गलती है कि हमने आपको वो फड़कता हुआ आग का बात नहीं सुना और ये केस ड्रॉप नहीं किया। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ ना सब संजोग से हुआ। आपके और हमारे मानने से क्या होता है पुष्पा जी? डीएसपी सर को हम कैसे समझाएंगे ये इत्तेफाक का गढ़? उनको तो यही लगेगा ना कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गलती किया हम पे ट्रस्ट करके। उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम काबिल नहीं है केस सॉल्व करने के लिए। उनको यही लगेगा कि उन्होंने गलती किया हमको केस देकर। देखिए करिश्मा सिंह, आपका गुस्सा जायज है, हम समझते हैं, लेकिन फिलहाल शांत हो जाइए। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। तजुर्बा कहता है हमारा कि मिशन में कभी भी कोशिश मायने नहीं रखती, रिजल्ट रखता है। मूसा आपके हाथ से निकल गया, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसे ढूंढने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो। नहीं नहीं मैडम सर, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा होगा कि आप थाना संभालिए और मूसा का क्या करना है वो हम देख लेंगे। मेहरबानी होगा अगर आप इस केस से थोड़ा दूरी बनाए रखेंगी और हमें शांतिपूर्वक अपना केस सॉल्व करने देंगी। मैडम सर, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। कुछ भी नहीं मैडम, तो ऐसे ही ऐसे ही क्यों? वो इसका सिक्का गिरा वो ढूंढ रहे हैं। सिक्का गिरा? हाँ, सिक्का गिरा ना। हाँ। काम पे ध्यान दो चीता। हाँ, पैर उठाइए। हाँ मैडम। नाम शेरा। अम्मा नाम रखने का भी कोई कायदा होता है कि नहीं? नाम है शेरा और आवाज है बुलबुल जैसी। हाँ भाई साहब, आप इस पृथ्वी पर आप किस नाम से जाने जाते हैं? विक्टर, विक्टर नाम है मेरा। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है मैडम। ये बेकरी शॉप है ना, वो अपुन की है। अपुन इनोसेंट है कसम से। अगर इनोसेंट हो तो इस तरह की इल्लीगल जगह पर क्या कर रहे थे? बोले तो अगर आप इतने ही मासूम हैं तो ऐसी जगह पे क्या कर रहे थे आप? बाप? किसका बाप? बाप नहीं, आप। आप क्या कर रहे थे जहाँ से हम लेकर आए आपको? रात को मैडम। रात को क्यों छोड़ने का मैडम? अभी अभी छोड़ने का ना प्लीज। रात को नहीं, आपको। आपको जहाँ से लाए थे वहाँ क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहा था? बुकी हूँ। बुकी क्या करता है? बैटिंग करवाता है, वही तो करवा रहा था मैं। वो बैटिंग में अपन बहुत सारा पैसा हार गया था, वही पैसा वापस करने को गया था मैडम। अकाउंटेंट हूँ मैडम, दरअसल उस दिन मैच में जो पैसे जीते थे उसका हिसाब करने गया था मैडम। अभी क्या है ना, थोड़ा बहुत ऊपर का एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए इधर उधर बैटिंग शेटिंग कर ली तो क्या हो गया? ये कोई क्राइम नहीं है मैडम। क्राइम ही है, बैटिंग करना गैर कानूनी है, मतलब इल्लीगल। इल्लीगल? अरे लीगल है तो छोड़ देने का ना मैडम, क्यों बिठा के रख लेना यहाँ पे? इल्लीगल, इल्लीगल, गैर कानूनी है बैटिंग करना। भरना? अरे तो बोलने का ना मैडम, ये टैक्स कब भरने का है? अपुन जैसे सारे टैक्स भरता है ना, ये बीच भर देगा, सिंपल। अमा भरना नहीं भाई साहब, इल्लीगल है बैटिंग करना। एक मिनट, एक मिनट। विक्टर, विक्टर, हाँ हाँ मैडम, मैडम अभी बोलने का। हाँ क्या बोल रहे थे आप? ये मूसा कहाँ है? मूसा तो हवा है, नहीं पकड़ पाएंगे आप मूसा को। चल हवा है मूसा, आंखों का धोखा है मूसा, वो सामने है फिर भी नहीं है, वो हर जगह है, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, देख सको तो देख लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। अभी बहुत सारी कंट्री लोग में इस बेटिंग को लीगल कर दिया है मैडम। हम जानते हैं, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि एक खेल से न जाने कितने बड़े बड़े अपराध जुड़े हुए हैं? और हर साल देश में 3 लाख करोड़ की इल्लीगल बैटिंग होती है, जो देश के डिफेंस बजट जितना ही होता है। और ये है काला धन, अनअकाउंटेड ब्लैक मनी। और जानते हैं इस पैसे का मेजर हिस्सा किस चीज में इस्तेमाल होता है? ड्रग्स, टेररिज्म, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे गंभीर अपराधों में। ये क्या बोल रहे ली मैडम आप? मिस्टर विक्टर, शेरा के घर से बहुत सी इल्लीगल एक्टिविटीज ऑपरेट होती है,
और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मूसा जैसे खतरनाक क्रिमिनल का वहाँ पाया जाना, इसलिए वहाँ पर पुलिस ने रेड डाली थी। अपुन ये टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, ये सब से अपुन का कोई लेना देना नहीं है मैडम। मैडम, I'm innocent, trust me। बहुत बढ़िया। मुस्कुरा कहरे, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? जोक मार रहे हैं? नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कहा है कि आपको देख के हमें किसी की याद आ गई। किसका याद आ गया? देखिए मैडम, माइंड मत कीजिएगा, हम बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। और हम सुन रहे हैं, बताइए। प्रियंका चोपड़ा है ना एक्ट्रेस, वो हमारी फेवरेट है। आप बिल्कुल साइड प्रोफाइल से बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा लगती हैं, बिल्कुल डिट्टो। बहुत ही कमाल का बात है, लगता है बहुत पुराने पापी हो तुम, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे ना इस सिचुएशन में भी घबराहट नजर नहीं आ रहा है हमको, बिल्कुल भी टेंशन नजर नहीं आ रहा है हमको। तुमको ऑन ड्यूटी वर्दी में महिला प्रियंका चोपड़ा नजर आ रही है, ऐसा बेफिक्री ना आधी मुजरिम का ही लगता है। देखते तुम कौन सा मुजरिम हो। उस वक्त मूसा जब पीछे के दरवाजे से भागा था तो तुम वहां बैठे थे ना, इसका मतलब तुमको तो पूरा जानकारी होगा कि वहां क्या चल रहा था। क्या फर्क पड़ता है मैडम, बताऊंगा तो फिर भी कुछ नहीं। आपको पूछना आपका काम है और ना बताना मेरा काम है। बेटा तुमको आइडिया भी नहीं है कि तुम कहां उलझ रहे हो, यहां आकर तकलीफ का भी ना डेड एंड हो जाता है। तुम बोलोगे, तुम सब बोलोगे, अभी ये बोलोगे और बाद में बोलोगे दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। चीते रेडी? अरे बस मैडम थोड़ा देर। बहुत बढ़िया, चलो आज सबको सैर करा कर लाते हैं। आप बहुत मजा आ रहे हैं। मैडम जी, सब लोग आज ये नजारा देखेंगे कि एक बैल दो गधों को खींच रहा है। मैडम मैडम, ये सब सिचुएशन देख के ना मुझे ताजा ताजा शेर आया, चिपू चिपू चिपू। अरे मैडम रहने दीजिए, इसका शेर सुन के बैल अभी कभी भाग जाएगा। व्हाट अ जोक। मा चिपो ना। हाँ। तो अर्ज किया है इरशाद, एक बैल निकालेगा दो गधों का तेल, जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक जारी रहेगा ये खेल। वाह, भालू ने शेर सुनाया। बिल्ले अगर थोड़ी सी मेहनत और करता ना तो इससे वाहियात और घटिया शेर बन सकता था। चुप करो, टोपा कहीं के सब की सब। और सुनो तुम, तुम्हारा ये घटिया वाहियात शेर सुन के ना ये एड्रेस नहीं बताएंगे, ऊपर को निकल जाएंगे, समझे तुम? चलो चले। क्या है ये सब करिश्मा मैडम? हम सैर के लिए जा रहे हैं, बैल से इन दोनों को बांधा है, आप चाहें तो आपको बैल पे बिठा सकते हैं, चलिए सैर पे। पर मैडम, अगर मैडम सर को पता चलेगा कि आप ये कर रही हैं तो ये हमारा केस है, हमें पूरा हक है कि हम इसे अपने तरीका से सलटे। चलो चीते बिल्लू, तुम लोग गाड़ी में। जी मैडम। ओके। इस बच्चे को बैठ जा, चाय पानी जो चाहिए सब दे देना। हाँ भैया, पानी पियोगे? पियोगे? पर पियोगे तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मूसा कहाँ है। नहीं बताओगे? छोड़ो। चाय 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 चाय। मैडम जी, आपने चाय मंगवाई थी और मैं चाय लेकर आ गया, वो भी स्पेशल वाली। चाय पीजिए। अबे चपड़ दो, जो अदरक वाली है। मन हुआ अभी भी बताने का कि मूसा कहाँ है? बताओगे? अभी भी मूड नहीं हो रहा है। हमको क्या है, हम पहले पानी पी लें।
अब बताना है? अभी भी नहीं है तो पानी भी नहीं, चलो 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 चलो, चलो। क्या बोलते हो भैया, सवारी चालू रखे या फिर बताओगे मूसा के बारे में? अब कहाँ है मूसा? हमें नहीं पता मूसा कहाँ है। नहीं सुधरोगे ना तुम दोनों, कसम खा रखी है चीते, बांधो उनको बैल से दुबारा। मैडम मैडम रुकिए रुकिए, हमारा यकीन कीजिए, हमें वाकई में नहीं पता कि मूसा भाई कहाँ है, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि वो कहाँ हो सकते हैं। क्या बच के? अगर मूसा को मालूम पड़ा ना तो तू जान से हाथ धो बैठेगा। अब बीच में बोले ना तो तुमको तुम्हारा आवाज कभी सुनाई नहीं आएगा इस जिंदगी में, समझ गए? तुम कंटिन्यू रखो, बताओ। दरअसल हम आपको मूसा भाई के सारे अड्डों का पता दे सकते हैं। और ये सब चूरन हुआ तो, अगर वो उस पते पे मिला ही नहीं तो? तो कम से कम पुलिस मूसा के सारे अड्डों को तो डिस्ट्रॉय कर देगी और पूरे शहर से उसके बैटिंग का बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये का कम झटका होगा मूसा भाई के लिए। बहुत बढ़िया बात है, तो अब हम मूसा के सारे अड्डों पे जाएंगे और रेड मारेंगे और तुम हमारे साथ चलोगे, समझ गए? जीते बंद करो। जी मैडम। बिल्लू निवास में रहना मतलब खतरे से खाली नहीं है। ए भाई 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 क्या 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 भाई, अपुन को ऐसा फील हो रहा है तो अपनी जान बचाने के चक्कर में यहाँ से कल्टियों ना मंगता है? हाँ तो भाई 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 अपुन को कोई सेफ जगह ले चलना भाई। भाई बहुत बहुत घबराहट टाइप का फील सा हो रहा है भाई। भाई मैं रह नहीं पाएगा इन क्रिमिनल लोग के बीच में। ओके ओके ले जाता हूँ। आप रहिए यहाँ पे मेरे बिल्लू निवास में, आप मेरे मेहमान है। इतना बड़ा जोखिम उठा रही हैं, वो भी अकेले। टीम को साथ ले लेंगे तो छोटी नहीं हो जाएंगी। मैडम सर ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ना, मान लेती उनकी बात तो कौन सी आफत आ जाती। नजरिए का फर्क है पुष्पा जी, आप जहाँ से देख रहे हैं ना आपको मैडम सर का ऑफर एक मदद नजर आ रहा है, लेकिन जहाँ से हम देख रहे हैं ना हमको हमारे योग्यता पे एक प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। पहली बार डीएसपी सर ने हम पे इतना भरोसा जताया, प्राण दे देंगे लेकिन उनका भरोसा कायम रखेंगे। ये केस हमारा है और हम अकेले सॉल्व करेंगे। चलते हैं। मैडम सर, बेचारी जो बोला वो सुना समझ ही नहीं पाई। हमने तो उसे साफ साफ बोल दिया कि जिस मूसा को वो ढूंढ रही है वो एक छलावा है, हर जगह है, देख सको तो देख लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। नहीं समझ पाए कि जिस मूसा का वो दुनिया भर में ढूंढ रही है वो उसके सामने बैठा है। नहीं समझे कि तुम ही मूसा हो। पार मत आना, पार पुलिस है। उस दिन अकाउंटेंट अर्जुन बनकर मैंने खुद को तो बचा लिया करिश्मा जी, अब सवाल यह है कि आपको मुझसे कौन बचाएगा? चेताया था, वार्निंग दी थी, समझाया था कि संभल कर, लेकिन नहीं सुना। अब मेरी बारी है। सारे शहर के सामने जलील किया, तमाशा बना के रख दिया लखनऊ के सामने,
मेरी बारी है करिश्मा जी, मूसा की बारी। अब मैं बताऊंगा कि हद कैसे पार की जाती है। जस्ट वेट एंड वॉच। बाहर आओ, टाइम हो गया, जल्दी आओ जल्दी। जय हिंद सर। जय। कहाँ लेके चल दी इन्हें? सर आपने जो हमें जिम्मा दिया है मूसा को पकड़ने के लिए, बस उसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं। उसका लोकेशन ट्रेस हो गया है, बस उसको अभी धर के लाते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आप तो इन्हें लेकर ऐसे जा रही हैं जैसे सब्जी लेने जा रही हैं। अरे इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा ऑपरेशन है, अरे कोई टीम की प्लानिंग होती है कि नहीं कि अकेले चल दी ऑपरेट करने? सर आप ही नहीं कहा था ना कि ये केस हम अकेले हैंडल करेंगे? अरे अकेले इस केस को कमांड करने के लिए कहा था करिश्मा सिंह, अकेले मौत के मुंह में जाने के लिए नहीं कहा था। अरे कुछ एक्स्ट्रा कवर, कुछ बैकअप, कुछ प्लान बी हैं? ऐसा कुछ ट्रेनिंग में बताया गया था आपको कि बस चल दी अकेले? वैसे आप इस ऑपरेशन में अकेले नहीं जाएंगी, आपके साथ SHO हसीना मलिक जाएंगी। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है सर? पर सर आपने कहा था कि नो आर्ग्यूमेंट, जितना कह रहा हूं बस उतना ही करिए, समझ गए आप? अरे देख क्या रही पुष्पा जी, ऑर्डर दीजिए ना। हम? अरे नहीं नहीं सर, वैसे ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, मगर आपके होते हुए हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? हम वो वाला ऑर्डर नहीं कह रहे, वो वाला ऑर्डर तो हम दे चुके हैं। अरे खाने पीने का कुछ ऑर्डर दीजिए, भूख लगी है। अभी मंगवाते हैं, आप आइए ना। करिश्मा सिंह संभाल के, हसीना मलिक। जी सर। चलिए। ऑर्डर हुआ इसलिए साथ चल रहे हैं मैडम सर, वरना एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे ये केस अब भी हमारा है और मूसा को हम ही पकड़ेंगे, वो भी अकेले। ये मूसा कोई बुराई का मारा, दुनिया का सताया, मजबूरी में बना क्रिमिनल नहीं है। पेशेवर, खतरनाक, बेरहम क्रिमिनल है ये, जो किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। यहाँ आपकी जज्बातों की आइडियोलॉजी काम नहीं आएगी, यहाँ पर उसको उसी की भाषा में कोई जवाब देने वाला चाहिए जो हम, और हम देंगे। आपसे निवेदन करते हैं आखिरी बार मैडम सर कि ये केस आप हमें हमारे तरीके से हैंडल करने देंगी तो बहुत अच्छा होगा। ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि कभी भी किसी मिशन या केस को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, वरना हमारे जाती जज्बात उस पर हावी होने लगते हैं। निष्पक्षता से केस को देखना चाहिए, और ये बात आप भूल सकती हैं करिश्मा सिंह, लेकिन हमने DSP सर के कहने के बाद ये केस अब जितना आपका है उतना ही हमारा भी। हमारा मकसद आपकी मदद करना या फिर आपके रास्ते की रुकावट बनना नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, और ये काम करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। चले अब। बस चलते रहिए मैडम, आप फिक्र काहे कर रही हैं, हम हैं ना आपको बताने के लिए, आपके गाइड की कहां जाना है, और सड़क का नाम याद नहीं आ रहा है, पर सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। वैसे मैडम प्लीज डोंट माइंड, बहुत देर से एक बात सोच रहा था, अब जब कंफर्म हो गया तो सोच रहा है कि आपको बता दूं।
बोलो। देखिए मैडम, प्लीज डोंट माइंड, एक तो आप पुलिस ऑफिसर हैं, ऊपर से ड्यूटी पर हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बात बोलना ठीक होगा या नहीं, इसलिए माफी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि साइड एंगल से जहाँ से हम देख रहे हैं आप बिल्कुल करीना कपूर लगती हैं। हमारी फेवरेट एक्टर, आई एम बिग फैन ऑफ हर। अपनी हद में रहो संतू। संतू हमें ना समझ में ही नहीं आता क्या करें हम। क्या हुआ, इतनी क्यों आप परेशान है पुष्पा जी? ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं दुनिया में? सही बात है पुष्पा जी, कैसे हो सकते हैं ये लोग? नहीं मगर बताओ ना, किसी को बिना पूछे उसकी कोई चीज ऐसे कैसे ले सकते हैं लोग? इसे ही तो चोरी कहते हैं पुष्पा जी। ऐसे लोगों को ना करिश्मा मैडम जो इलाज नहीं करती, लॉकअप में बंद करके लात और घूसों से, ऐसे सीखते हैं वो। मतलब डीएसपी सर को भी? मैंने कब कहा डीएसपी सर? अभी तो तुमने कहा ना कि ऐसे लोगों का इलाज करिश्मा मैडम की तरह करना चाहिए। मैं इसकी बात कर रही हूँ, छठी बार ये चोर पकड़ा गया है चोरी करते हुए और कबूल करने से इनकार कर रहा है। हम डीएसपी सर के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने भी चोरी की? हमें जड़ बुद्धि, उन्होंने इकबाल की पूरी बिरयानी खा ली और हम भूखे रह गए। पुष्पा जी आपके पास आपका डब्बा है ना? वो तो बिरयानी से पहले ही खा गए थे स्टार्टर में। देखो फालतू का होशियार ही नहीं, अभी तुमको सिर्फ बांध के पूरा लखनऊ घुमाया, वो हमारे भौकाल का टीजर था। अगर अपने पे आ गए ना तो तुम्हें दिखाएंगे अपना भौकाल पूरा। होशियारी दिखा के क्या करेंगे मैडम, बंधे हुए हैं, आपकी कस्टडी में हैं, ना यार है ना हथियार है, अब होशियारी दिखा के हमें मरना है क्या? भरोसा रखिए मैडम, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तुम्हें मारने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं, तुम दोनों को तो तुम्हारा बुरा वक्त मारेगा और वो कब का शुरू हो चुका, मरोगी दोनों की दोनों आज ही।